द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग दिखाया जाता है काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। मिया कोमुरा से कहती है कि मैं अपने चश्मे को ना भूलने की भी कोशिश करी थी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने आंखों को सामने की तरफ रखूं और मैं पूरे ध्यान से चलूं। लेकिन अगले ही पल मिया के पैर गड्ढे में थे। अगले सीन में हम लोग मिया और कमुरा को क्लासरूम में देखते हैं। गड्ढे में गिरने की वजह से जो मिया के सॉक्स होते हैं वो गीले हो चुके होते हैं। इसके बाद मिया चेयर पे बैठ जाती है और वो कमुरा से कहती है जरा तुम उधर देखोगे। इसके बाद मिया अपने सॉक्स को उतार के एक पैकेट में रख देती है और कमुरा से कहती है अब तुम देख सकते हो। लेकिन कमुरा मिया को खाली पैर में देख के लाल सा हो जाता है और वो खिड़की की तरफ मुंह रख के कहता है कि मैं तो सिर्फ बरसात ही देखूंगा क्योंकि मुझे पसंद है। इसके बाद कोमुरा जब घर को जा रहा था तो वो मिया को पार्क में बैठा हुआ देखता है। मिया बताती है कि वो अपने घर की चाबी भूल गई है इसलिए वो अपनी मदर के आने का इंतजार कर रही है। लेकिन इसके बाद मिया कोमुरा से कहती है कि मुझे झूला झूला दो। ये सुन के कोमुरा अपने मन में सोचता है कि उसे मिया को पीछे से धक्का देना चाहिए और ये करना क्या शादी से पहले ठीक भी रहेगा। इसके बाद कोमुरा मिया को झूला झुलाना शुरू कर देता है। 2-3 राउंड के बाद कोमुरा को ध्यान आता है कि मिया की स्कर्ट ऊपर उड़ रही है इसलिए शायद मिया अपने आप को एक्सपोज कर सकती है इसलिए वो मिया को रोक लेता है झूला झुलाने से। मिया पूछती कि क्या हो गया। कमुरा बोलता है कि हवा चल रही है। मिया ने अपने सर को पीछे कर लिया था जिससे कि वो कमुरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाती है तो फिर कमुरा शर्मा के तुरंत पीछे हट जाता है और मिया उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। और मिया अपनी स्कर्ट ऊपर करके उसे दिखाती भी है लेकिन मिया को इस बात की चिंता ना हो के इस बात की चिंता थी कि कहीं उसका वजन तो नहीं बढ़ गया। अगले दिन कोमुरा जब अपनी शीट को ठीक कर रहा था तब एक एप्पल कार्ड नीचे गिर जाता है जो कि बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड जैसा लग रहा था। मिया उस कार्ड को उठा लेती है और वो कमुरा से पूछती ये क्या चीज है तो कमुरा से बताता कि ये एक एप्पल कार्ड है। इसके बाद मिया उस कार्ड को कमुरा को वापस दे देती है और वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। कमुरा अपने मन में सोचता है कि उसने मिया को सही से जवाब भी नहीं दिया है कहीं मिया उसे बैड बॉय ना समझने लग जाए। लेकिन मिया तो अपना एप्पल का पीस भी देती है क्योंकि उसे लगता है कि कमुरा को वो पसंद है और इतने प्यार से दिए हुए एप्पल से तो कमुरा के दिल में दर्द होने लगता है और वो काफी प्यार से मिया को वो वापस देते हुए कहता है कि मुझे एप्पल्स बहुत पसंद है लेकिन मैं तुम्हारा नहीं ले सकता हूँ। इसके बाद मिया आधी रात में अपनी दोस्त को समझ के कोमुरा को कॉल लगा देती है लेकिन जब मिया को पता चलता है कि उसने गलती से कोमुरा को कॉल लगा दिया है तो वो फोन काट देती है माफी मांगकर। लेकिन कोमुरा को मिया की चिंता होने लगती है इसलिए वो मिया को वापस फोन करके कहता है अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हारी कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी भी जागा हुआ हूँ। मिया कोमुरा को बताती है कि वो अपने दोस्त आसुका के घर में है और उसे वॉशरूम जाना था लेकिन अंधेरे में उसके चश्मे खो गए और उसे मिल नहीं रहे हैं तो इसलिए वो बिना चश्मे के ही चले गए। लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा अंधेरा था इसलिए मिया को डर लगने लगा था इसलिए वो आधे रास्ते में ही लटक गई थी। और वो कमुरा से कहती है कि मैं पीछे हटने नहीं वाली हूँ मैं वॉशरूम जाकर ही रहूंगी। कमुरा मिया से पूछता है क्या वहाँ पे आसपास कोई स्विच है लेकिन वहाँ पे तो कोई स्विच था ही नहीं। इसके बाद मिया कहती है कि मुझे डर लग रहा है क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो क्योंकि सोने से पहले मिया और उसके दोस्तों ने एक हॉरर मूवी देखी थी जिस वजह से मिया काफी ज्यादा डरी हुई है। अगर कमुरा मिया के लिए गाना गाता है तो मिया का डर हट जाएगा जिसपे कमुरा स्कूल मेलेडी गाना शुरू कर देता है जिसपे मिया को हंसी आने लगती है क्योंकि कमुरा को सिर्फ स्कूल का ही गाना मिला। लेकिन कमुरा को तभी ध्यान आता है कि उसकी मदर भी जागी हुई है और वो वॉशरूम गई है इसलिए कमुरा मिया से बात बंद करके बेड पे घुस जाता है क्योंकि कमुरा नहीं चाहता था कि उसकी मॉम को पता चले कि वो आधी रात में किसी लड़की से बात कर रहा है। लेकिन मिया को कमुरा की चिंता होने लगती है और वो उससे बार बार पूछने लगती है क्या तुम अभी भी यहीं पे हो। फिर कमुरा फैसला करता है कि वो धीरे आवाज में बात करेगा इसलिए वो धीरे आवाज में मिया से बात करने लगता है लेकिन मिया कमुरा के मुंह से अपना नाम सुन के शर्मा जाती है। इसके बाद कमुरा की मदर चले जाती है तो कमुरा मिया से कहता है कि तुम अपने फोन की फ्लैशलाइट जला लो तो मिया अपने फोन की फ्लैशलाइट जला लेती है और उसे पता चलता है जो बाथरूम है वो उसकी सिर्फ 2 कदम दूरी पे ही था। इसके बाद मिया को बाथरूम भी मिल जाता है और वो लाइट्स को भी चालू कर देती है लेकिन मिया बाथरूम जाने से पहले कमुरा का नाम धीरे से लेती है जिससे कि कमुरा शर्मा के बेड से नीचे ही गिर जाता है। इसके बाद मिया अपने बेड पे पहुंच जाती है और वो कमुरा से माफी मांगती है क्योंकि उसने आधी रात में कमुरा को परेशान किया। लेकिन कमुरा अपने मन में कहता है मैं तो तुम्हारे साथ पूरी रात बात कर सकता हूँ जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कह के फोन काट देते हैं और इसके बाद मिया अपनी दोस्त से चिपक के सो जाती है।
इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोग की स्विमिंग क्लास थी और कमुरा अपने मन में सोचता है कि मिये स्विमिंग के दौरान भी क्या चश्मे पहन कर आएगी। लेकिन जब कमुरा मिये की तरफ देखता है तो मिये के पास स्विमिंग ग्लासेस थे, जिसके बाद कमुरा का दोस्त कमुरा के कंधे पे हाथ रख के कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम कुछ ज्यादा ही घूर रहे हो। इसके बाद कमुरा जब मिये की तरफ देखता है तो मिये की दोस्त ने मिये को बता दिया था कि कमुरा उसे घूर के देख रहा है, जिससे कि मिये को तो शर्म आती है और इधर कमुरा को भी शर्म आने लगती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि कमुरा यही सोच रहा था कि वो चिल्ला के कह सके, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। लेकिन कमुरा को पूरे टाइम में ऐसा कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और कमुरा ने आंसू ही बहाया। इसके बाद हम लोग कमुरा को दिखाया जाता है जो कि ग्रोसरी की शॉपिंग करके निकला था और तभी उसकी नजर मिये पे जाती है जो कि आइसक्रीम खा रही थी। और मिया कमुरा से कहती है कि किसी को बताना मत कि यहाँ पे मैं चुपचाप स्नैक्स खा रही थी। लेकिन कमुरा मिया को अपनी ग्रोसरी दिखा के कहता है, मैंने भी स्नैक्स ही खरीदे हैं। इसके बाद कमुरा जब मिया की तरफ देख रहा था तब उसे पता चलता है कि मिया जीत चुकी है। लेकिन मिया उस स्टिक को फेंकने वाली होती है, इसलिए कमुरा मिया का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन कमुरा को जब एहसास होता है कि वो मिया का कुछ ज्यादा करीब आ गया है तो वो पीछे हट जाता है शर्मा कर और वो बता देता है कि वो जीत चुकी है। फिर मिया कमुरा से पूछती है, क्या तुम्हें जीतना पसंद है, जिस पे कमुरा कहता है, हाँ ये अच्छा लगता है। इसके बाद मिया कमुरा को अपनी स्टिक दे देती है और उसे बाय बाय कह के यहाँ से चली जाती है और कमुरा उस स्टिक को देखते हुए शर्माता रहता है। इसके बाद हम लोग कमुरा को देखते हैं जिसे स्कूल में एक बिल्ली दिखाई देती है, तो कमुरा उस बिल्ली का पीछा करते हुए स्कूल के पीछे आ जाता है। यहाँ पे वो अजुमा और एक रैंडम गर्ल को देखता है और ये देख के कमुरा वहाँ से भाग के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और कमुरा को ये सिचुएशन बिल्कुल एक मांगा की तरह लगती है, इसलिए वो सोचता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी कमुरा मिये को अपने पास आता हुआ देखता है और वो अपने मन में सोचता है कि मिये यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन इसके बाद मिये वहाँ पे कैट की आवाज निकाल कर उस कैट को ढूंढने लगती है, जिसपे कमुरा कैट से कहता है कि ये तेरी गलती है। इसके बाद कमुरा सोचने लगता है कि वो यहाँ पे कैसे फंस गया और वो मिये की तरफ देखते हुए कहता है कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा। इसके बाद वो बिल्ली मिये के पास जाने लगती है, लेकिन मिये तो अभी भी उस बिल्ली को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो नीचे की जगह ऊपर देख रही थी। लेकिन तभी वो बिल्ली अपने सर को मिये के पैर से सहलाने लगती है, जिससे कि मिये को पता चल जाता है कि वो बिल्ली उसके पैरों के पास है। और कमुरा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हुई जा रही है और मिये ने कमुरा और उस लड़की को देख लिया तो काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगी। इसके बाद कमुरा मिये की तरफ देखते हुए कहता है कि उसको बिल्ली मिल गई या वो अभी भी उसे ढूंढ रही है। लेकिन कमुरा मन में सोचता है कि उसे भी एक दिन हिम्मत करके मिये को बताना होगा कि वो उसे पसंद करता है, और वो कहता है क्या मिये उसे समझेगी। इसके बाद वो लड़की आजुमा से कहती है कि वो आजुमा के बारे में थोड़ा से ही जानती है, लेकिन इसके बावजूद वो आजुमा के प्यार में गिर चुकी है। लेकिन तभी वो बिल्ली कमुरा के पास आने लगती है तो मिये भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। तो फिर कमुरा मिये का जल्दी से हाथ पकड़ के उसे गले को लगा लेता है और इधर वो लड़की आजुमा से कहती है कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन आजुमा उससे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे ये कहा, लेकिन मैं किसी और को पसंद करता हूँ। इधर मिये और कमुरा एक दूसरे को शर्माते हुए देख रहे थे। मिये कमुरा से पूछती है क्या मैं उनके रास्ते में आ रही थी, और कमुरा अपने मन में कहता है कि मिये को सब कुछ समझ में आ गया और उसने सब कुछ पता लगा लिया। और कमुरा कहता है कि उसे भी एक दिन ये सब जरूर करना होगा। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्थायु नारा और बाय।